हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 25,000 के नीचे आने वाले कुछ बेस्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन के बारे में। फिलहाल लगभग हर ब्रांड के तरफ से कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन मिल जाएगा आपको, वो भी 20 से 30,000 के बीच में। और वैसे भी मार्केट के अंदर अभी कर्व डिस्प्ले का ही ट्रेंड चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन जिसे आप 25,000 के नीचे बाय कर सकते हैं। तो इन पांचों स्मार्टफोन में आपको कर्व डिस्प्ले तो मिलेगा ही, इसके अलावा फ्लेक्सिप ग्रेड कैमरा सेटअप होगा, पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर लगा होगा एंड और भी कई सारे कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा इन पांचों स्मार्टफोन के अंदर। तो मैं आपको इन पांचों स्मार्टफोन के डिटेल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ विद प्रोज एंड कॉन्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज, हमने इन पांचों स्मार्टफोन को प्राइस एंड ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। एंड नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये वन ऑफ द बेस्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन है अपने प्राइस के हिसाब से। जी हाँ, इस फोन का नाम है लावा अग्नि 2। ये फोन आपको 20 से 22,000 के बीच में मिल जाएगा एंड इस प्राइस फोन पर आपको बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिलता है। चलिए डिटेल में जानते हैं जल्दी से इस फोन के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का बैक पैनल ग्लास से बना हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। हाँ, फ्रेम प्लास्टिक का ही है। 8.8 mm की थिकनेस है एंड 210 ग्राम वेट है, तो हल्का सा ये फोन हैवी रहेगा। बाकी ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। और इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं, लेकिन SD कार्ड नहीं लगा सकते और 3.5 mm का जैक भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन विद नियर स्टॉक एंड्रॉइड। तो UI के अंदर किसी भी तरह के एड्स और ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा। और लावा ने प्रॉमिस कर रखा है इस फोन को 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट एंड ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। चलिए इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स भी जान लेते हैं जल्दी से। तो इस फोन में लगा हुआ है 4700 mAh की बैटरी और साथ में ही 66W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। कैजुअल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में लगा हुआ है 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस 10 विट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ये एक कर्व डिस्प्ले है। 120Hz फास्ट रिफ्रेश का सपोर्ट दिया गया है, 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है एंड अप टू 950 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है। कर्व पैनल है तो साइड के बेजल्स वगैरह ना के बराबर है। डिस्प्ले वाइज एक्सीलेंट रहेगा ये फोन। वैसे बात करें कैमरा के बारे में तो बैक साइड में 4 कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है, वही सेकंड कैमरा 8 MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है एंड इसके अलावा 2 और कैमरा दिया गया है 2 MP का जो कि डेप्थ एंड मैक्रो लेंस है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अबव एवरेज या फिर डिसेंट कैटेगरी में रहेगा। अच्छे लाइटिंग कंडीशन में ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7050 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक न्यू चिपसेट है जो कि 6 nm पर बना हुआ है, 5 लाख से ऊपर अंतत स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला RAM है। सो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, आराम से आप कैजुअल लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, Wi-Fi 6 आता है, Wi-Fi कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस की बात करें तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ अवेलेबल है, 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, जिसके लिए आपको 22,000 रुपीज देने होंगे और 2,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा परचेज करते वक्त। तो 20 से 22,000 के आसपास देखा जाए तो सही फोन है ये। खैर, ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात करें फोर्थ नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, तो नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का डिजाइन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और हाँ, कर्व डिस्प्ले तो मिलता ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Realme Narzo 60 Pro 5G के बारे में। 23 से 24,000 के बीच में ये फोन भी आपको मिल जाएगा। खैर, क्या कुछ फीचर्स मिलता है इस फोन के अंदर, चलिए डिटेल में जानते हैं जल्दी से। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा, आप देख ही सकते हैं, कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, लेकिन ऑरेंज वाला वीगन लेदर से बना हुआ है। 8.2 mm की थिकनेस एंड 191 ग्राम वेट है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, दिखने को काफी प्रीमियम है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है और स्पीकर की आउटपुट काफी अच्छी है। इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे और 3.5 mm का जैक भी नहीं है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन Realme UI 4.0। इस फोन को 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट।
बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में, तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 67 वॉट फास्ट चार्जिंग को। कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में जो कि इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है, जी हाँ, इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंचेस की फ्लैश डी प्लस 10 बिट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और ये एक कर्व डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है एंड 950 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, कर्व पैनल होने की वजह से बेजल्स ना के बराबर है, तो डे टू डे यूजर्स में काफी प्रीमियम फील होगा ये फोन आपको, एंड कंटेंट वॉचिंग के लिए तो अच्छा है। वैसे कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में दो कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 100 मेगापिक्सल का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और ये डेप्थ कैमरा है, तो यहाँ अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से फ्लैश डी में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस फोन का मेन कैमरा डिसेंट टाइप का परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, OIS होने की वजह से लो लाइट में भी अच्छे फोटो आ जाते हैं, ओवरऑल कैमरा डिसेंट टाइप का रहेगा। हाँ, अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा होता तो ज्यादा बेहतर रहता। एनीवे, परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 वाला 5G चिपसेट। ये चिपसेट 6nm पर बना हुआ है और 5.5 लाख से ऊपर अंतुदु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है, तो नॉर्मल यूजर्स में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है ये फोन, 4G प्लस का सपोर्ट अवेलेबल है, Wi-Fi 6 आता है, Wi-Fi कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो 8128 के लिए 24,000 रुपीज है और 1000-1500 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे इसी फोन के जगह आप Realme 11 Pro 5G को भी बाय कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सेम फोन है। Realme 11 Pro 5G आपको Flipkart पर मिलता है, वहीं Realme Narzo 60 Pro Amazon पर, तो जो भी आपको सही लगता है उसे आप कंसीडर कर सकते हैं। खैर, ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये भी अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा स्मार्टफोन है। खैर, इस फोन का नाम है ओप्पो रेनो 8T 5G। वैसे तो ये फोन 30,000 के आसपास आता है, लेकिन काफी समय से इस फोन के ऊपर 6,000 रुपए तक का डिस्काउंट अवेलेबल है, मतलब अभी ये फोन आपको बिना किसी ऑफर और डिस्काउंट के 23,000 से 24,000 के आसपास ही मिल जाएगा। चलिए डिटेल में जान लेते हैं जल्दी से इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो दिखने में ये फोन काफी प्रीमियम है, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, सिर्फ 7.7 mm की थिकनेस है, मतलब काफी पतला फोन रहेगा ये, एंड 171 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। IPX4 की रेटिंग भी दी गई है, तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी शानदार है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर एंड स्पीकर की आउटपुट काफी अच्छी है। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन कलर OS 13। इस फोन को 2 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो इस फोन में लगा हुआ है 4800 mAh की बैटरी और साथ में ही 67 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। नॉर्मल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप ये फोन भी आपको दे देगा। बात करें डिस्प्ले के बारे में जो कि इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है, जी हाँ, इस फोन में लगा हुआ है 6.7 इंचेस की फ्लैश डी प्लस 10 बिट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि कर्व डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है और 950 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा है, कलर कैलिब्रेशन काफी अच्छे से किया गया है, कंटेंट वॉचिंग के लिए जबरदस्त है क्योंकि डुअल स्टीरियो स्पीकर भी है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है एंड सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और ये माइक्रोस्कोप कैमरा है, और बाकी थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का है। रियर कैमरे से फुल एचडी में 30 एफपीएस तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी फुल एचडी में 30 एफपीएस तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा, आउटडोर में लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। 25,000 प्राइस को कंसीडर करते हुए कैमरा ओके रहेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक वेल ऑप्टिमाइज्ड स्टेबल चिपसेट है जो कि 6nm पर बना हुआ है, 4 लाख से ऊपर अंतुदु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है, तो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा, कैजुअल लेवल की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये एक गेमिंग फोन नहीं है।
कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइस की बात करें तो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 30,000 रुपीज है, और जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे 6,000 का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो कुल मिलाकर 23 से 24 हजार के बीच में ये फोन आपको मिल जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट पर देखा जाए तो सही फोन है। हाँ, 30,000 के प्राइस पॉइंट पर इस फोन को मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन 25,000 के नीचे कंसिडर कर सकते हैं आप। खैर, ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये एक काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स जीरो 30 5G के बारे में। जस्ट लॉन्च ही हुआ ये फोन, बाकी प्राइस के हिसाब से बहुत ही कमाल का फोन है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं जल्दी से। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज बहुत ही अच्छा है ये फोन। ये वाला ग्लास पैक के साथ आता है और ये वाला वीगन लेदर से बना हुआ है। वैसे फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का ही है। सिर्फ 7.9mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन है, एंड 185 ग्राम वेट है, तो वेट भी ठीक ठाक है। IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी शानदार है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है एंड स्पीकर की आउटपुट काफी अच्छी है, और 3.5mm का जैक अवेलेबल नहीं है। इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं, लेकिन SD कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन XOX 13। इस फोन को 1 ईयर तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 2 ईयर तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। और हाँ, इस फोन में आपको मिलेगा इन्फिनिक्स का डायलर, मतलब सामने वाले को बिना बताए ही कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000mAh की बड़ी बैटरी, और साथ में 68W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। नॉर्मल टास्क में एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा ये फोन आपको। खैर, बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस 10 बिट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और ये एक कर्व डिस्प्ले है जो कि 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है एंड 950 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको एक्सीलेंट क्वालिटी का ऑफर किया गया है। कर्व पैनल है तो बेजल्स वगैरह ना के बराबर है, कंटेंट वॉचिंग के लिए बेस्ट रहेगा ये फोन। कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। रियर कैमरे से 4K में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि ऑटो फोकस के साथ भी आता है। इस कैमरे से भी 4K में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा, डे लाइट में काफी सही से परफॉर्म कर लेता है। OIS होने की वजह से लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। बाकी रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K में 60fps तक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ब्लॉगिंग वगैरह के लिए भी ये फोन अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 8020 वाला 5G चिपसेट। ये एक न्यू चिपसेट है जो कि 6nm पर बना हुआ है। 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 3.1 वाला स्टोरेज है, NLP DDR4X वाला रैम है। तो नॉर्मल यूजर्स में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, आराम से आप हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है ये फोन, 4G प्लस का सपोर्ट अवेलेबल है, वाईफाई 6 आता है, वाईफाई कॉलिंग है, ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है और NFC भी है। प्राइस की बात करें तो 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के लिए 24,000 रुपीज है। एडिशनली 1,000 से 2,000 का बैंक डिस्काउंट भी दिया गया है, वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो प्राइस के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी फोन है ये। 25,000 के नीचे ये एक कंप्लीट फोन है। खैर, ये रहे प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। वक्त आ गया है अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करने का। तो नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये एक ऑलमोस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। इस फोन का नाम है IQ G7 Pro 5G। 22 से 24 हजार के बीच में ये फोन भी आपको मिल जाएगा एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी काफी वैल्यू फॉर मनी फोन है। चलिए डिटेल में जान लेते हैं जल्दी से। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज ये फोन काफी प्रीमियम है। वैसे बैक पैनल ग्लास से बना हुआ है और फ्रेम प्लास्टिक का ही है। सिर्फ 7.4mm की थिकनेस है, मतलब बहुत ही पतला फोन रहेगा ये, एंड 175 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। IP52 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी है। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है, और 3.5mm का जैक नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं, लेकिन SD कार्ड नहीं लगा सकते। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।
आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन फन टच ओएस 13। इस फोन को 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 4600 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 66W फास्ट चार्जिंग को, तो काफी तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा और कैजुअल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप भी दे देगा ये फोन आपको। वैसे बात करें डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले आपको काफी अच्छा मिलता है। जी हाँ, इस फोन में लगा हुआ है 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस 10 बिट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ये एक कर्व डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 300 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है एंड अप टू 1300 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है प्राइस के हिसाब से। कर्व पैनल है तो बेजल्स वगैरह ना के बराबर है, दिखने को काफी अच्छा रहेगा और कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा है। कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ कैमरा है, तो जी हाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से फुल एचडी में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का मेन कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है डे लाइट और लो लाइट दोनों ही सिनेरियो में। वैसे अल्ट्रा वाइड लेंस होता तो ज्यादा बेहतर रहता। खैर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 वाला 5G चिपसेट। ये एक फ्लेक्सिप टाइप का चिपसेट है जो कि 4nm पर बना हुआ है। 7.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर आता है, साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज NLPDDR4X वाला रैम है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा रहेगा। नॉर्मल टास्क में कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, आराम से आप हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 10 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट अवेलेबल है, वाईफाई 6 आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 24,000 रुपीज है और 2000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, चाहे वो डिजाइन डिस्प्ले या फिर कैमरा हो। खैर ये रहे प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यही है टॉप 5 बेस्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन जिसे आप 25,000 के नीचे कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस समय के साथ फ्लैक्चुएट हो सकता है, तो सभी के बेस्ट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देख लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।